नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A57 2022 वर्सेस Infinix Hot 11 2022 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A57 2022 में 6.44 इंच जबकि Hot 11 2022 में 6.56 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A57 2022 में 2.95 इंच जबकि Hot 11 2022 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A57 2022 में 0.31 इंच जबकि Hot 11 2022 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि A57 2022 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A57 2022 में 187 ग्राम्स जबकि Hot 11 2022 में 195 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि A57 2022 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A57 2022 में 6.56 इंचेस जबकि Hot 11 2022 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A57 2022 में 720x1612 और Hot 11 2022 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A57 2022 में 84.62% जबकि Hot 11 2022 में 84.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A57 2022 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Hot 11 2022 में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A57 2022 में दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Hot 11 2022 की बात करें तो इसमें भी हमें दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A57 2022 में पावर GE8320 जबकि Hot 11 2022 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A57 2022 में MediaTek Helio G35 और Hot 11 2022 में Unisoc T610 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A57 2022 में Android V12 जबकि Hot 11 2022 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A57 2022 में 2 कलर्स जबकि Hot 11 2022 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A57 2022 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Hot 11 2022 की तो वो 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
ओप्पो A57 2022 में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में हॉट 11 2022 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 10A है, दूसरा Xiaomi Redmi 10 Prime है, तीसरा Oppo A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo 50A Prime है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।